अस्सलाम वालेकुम, मेरी आवाज आ रही है? क्लियर? बिल्कुल। सलाम आ रही है। सही। अच्छा, साहिल और छोट मसात एक मिनट रुकिएगा आप लोग। हेडफोन्स मत। चला। अच्छा, डेटा स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं? हमने बेसिकली दो टाइप्स के डेटा स्ट्रक्चर्स पढ़े हैं, जो कि एक होता है लीनियर और एक होता है नॉन लीनियर। ठीक है। नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स वो होते हैं, वो डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसमें जो डेटा आइटम्स होते हैं वो अरेंज नहीं होते एक सीक्वेंस में। सही है। तो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर वो होते हैं जो उसके ऑपोजिट होते हैं। ठीक है। लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स हम लोग पढ़ चुके हैं, जो सर इनाम ने कोर्स कवर करवाया था, जो कि हमारे थे एरे, स्टैक, क्यू, लिंक लिस्ट। सही है। अब हम पढ़ेंगे नॉन लीनियर। नॉन लीनियर में हमारे पास तीन है, ट्रीज, ग्राफ्स एंड हैश टेबल्स। तो हम स्टार्ट करेंगे ट्रीज से। जब ट्री का नाम आता है जहन में, तो सबसे पहले एक चीज आती है, वो होता है एक पेड़। ठीक है। तो जो डेटा स्ट्रक्चर का ट्री है वो भी कुछ इसी तरह का है। ठीक है। तो ये जो हमारा ट्री है, उसको नाम ही इसलिए दिया गया है ट्री का डेटा स्ट्रक्चर, क्योंकि इसके अंदर बिल्कुल ट्री वाला काम हो रहा होता है। लाइक रूट्स होते हैं, ब्रांचेस होती हैं, लीव्स होती हैं, तो इसलिए इसको ट्री का ही नाम दिया हुआ है। ठीक है। ट्री जो है वो एक नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स है, और ट्री जो है वो बायोलॉजिकल ट्री की तरह ही होता है। सही है। ये वाली जो पिक्चर लेफ्ट पर है, ये हमारा बायोलॉजिकल ट्री है, और ये जो पिक्चर हमारी राइट है, ये हमारा डेटा स्ट्रक्चर का ट्री है। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? बायोलॉजिकल ट्री जो है वो कुछ इस तरह से दिखता है कि जमीन पे उसकी रूट होती है, फिर उसकी ब्रांचेस निकलती हैं और ऊपर इसके लीव्स होते हैं। डेटा स्ट्रक्चर का ट्री क्या होता है कि ये स्टार्ट जो है वो रूट से होता है, और फिर इसकी ब्रांचेस निकलती हैं, और फिर जो सबसे एंड में होते हैं ना, वो लीव्स होते हैं। ठीक है। जिसको ये बेसिकली हमारे नोड्स होते हैं सारे। ठीक है। तो ये एक नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, बायोलॉजिकल ट्री की तरह होता है, एक्सेप्ट फॉर द रूट पार्ट। रूट बायोलॉजिकल जमीन पर रूट होता है, इसका ऊपर रूट होता है। द रिलेशनशिप इन अ ट्री आर हायरार्किकल, विद सम ऑब्जेक्ट्स बीइंग अबव एंड सम बिलो। सही है। हायरार्किकल क्या होता है? जो एक सीक्वेंस में चलकर आ रहे होते हैं, तो कुछ ऑब्जेक्ट जो हैं वो ऊपर होते हैं, कुछ ऑब्जेक्ट जो हैं वो नीचे होते हैं। ठीक है। रिकॉर्डिंग मैं कर रही हूँ, तो ज़रूरत नहीं है, मैं करके वो शेयर कर दूंगी। अच्छा, इसमें जो है अ स्ट्रक्चर दैट मे हैव मल्टीपल रिलेशंस अमॉन्ग इट्स नोड, मतलब इसके जो है मल्टीपल रिलेशंस होते हैं अमॉन्ग इट्स नोड, यानी कि कोई नोड जो है वो उसका अगर चाइल्ड है तो कोई उसका ग्रैंड चाइल्ड भी हो सकता है, तो मतलब मल्टीपल रिलेशनशिप्स होते हैं। अच्छा, अब ये जो ट्री होता है, ट्री में जो है वो क्या किन किन चीज़ों को कंसिस्ट करता है? एक वो नोड्स को कंसिस्ट करता है, और जो इसके कनेक्शंस होते हैं उसको हम एजेस कहते हैं, और जो बिल्कुल बॉटम पे नोड्स होते हैं उनको हम लीफ नोड्स कहते हैं। ठीक है। और ट्री का जो है वो कोई साइकिल नहीं होता। अच्छा, आप लोग ट्री के बारे में इतना ज़्यादा, टीचर ने जो है बहुत ज़्यादा कंटेंट डाला हुआ है, मुझे नहीं पता कि इसकी थ्योरी आएगी या नहीं आएगी, क्योंकि टीचर ने ज़्यादा बोला था कि थ्योरी कम आएगी, लॉजिकल क्वेश्चन ज़्यादा आएंगे। ठीक है। तो हमारा फोकस होगा कि हम लॉजिकल क्वेश्चन को ज़्यादा करें, तो ये सब जो भी हम कर रहे हैं ये जस्ट थ्योरी है। तो इस पे जो है इसकी एप्लीकेशंस के बारे में लिखा हुआ है कि ट्री जो है वो किस किस तरह से इस्तेमाल हो सकता है। ठीक है। अच्छा, अच्छा, वो याद है हमारा लिंक लिस्ट पढ़ते थे, तो लिंक लिस्ट में क्या होता है? हमारा नेक्स्ट
और बिफोर एंड आफ्टर वाला सीन होता है. प्रीवियस अगर हमें लिंगलिस्ट में किसी नोट पे जाना है तो हम डब्ली में प्रीवियस जा सकते हैं, नेक्स्ट जा सकते हैं. तो इसमें अबव एंड बिलो वाला रिलेशनशिप होता है, ठीक है. क्योंकि एक ट्री की तरह चल रहा है तो ऊपर से नीचे आता है या नीचे से ऊपर जाता है, बिफोर आफ्टर नहीं होता है. अच्छा, आर ट्री टी इज अ सेट ऑफ नोट्स स्टोरिंग एलिमेंट्स सच दैट द नोट्स हैव अ पेरेंट चाइल्ड. मतलब कि एक हमारा ट्री है टी, वो जो है क्या है, वो एक सेट है नोट्स का जो के एलिमेंट्स को स्टोर करता है. और जो वो नोट्स का सेट है, वो जो नोट्स हैं उनके पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप्स हैं जो के फॉलोइंग प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कर रहे हैं. अब फॉलोइंग प्रॉपर्टीज क्या हैं? अगर एक ट्री जो है वो नॉन एम्प्टी है, सही, यानी कि उसके अंदर कुछ नोड्स हैं और रूट है, तो उसके अंदर जो है ना एक स्पेशल नोड होता है, वो नोड कहलाता है रूट नोड, ठीक है, जिसका कोई पेरेंट नहीं होता, ठीक है. अब जो रूट होता है, जो रूट स्टार्ट होता है, इसका कोई पेरेंट नहीं होता, ठीक है. और जितने भी चिल्ड्रन होते हैं वो इसके आते हैं. मतलब अगर रूट के बाद एक नोड आ रहा है तो उस नोड का जो पेरेंट है वो रूट होगा, लेकिन रूट किसी का नोड नहीं हो, रूट जो है उसका कोई पेरेंट नहीं होगा. वो दूसरे नोड्स का पेरेंट हो सकता है लेकिन वो किसी का, सॉरी, वो दूसरों का पेरेंट हो सकता है लेकिन उसका कोई पेरेंट नहीं है, ठीक है. एक ये इसकी प्रॉपर्टी हो गई. दूसरी इसकी प्रॉपर्टी है ईच नोड वी ऑफ ट्री डिफरेंट फ्रॉम द रूट हैज अ यूनिक पेरेंट नोड, ठीक है. मतलब कि हर नोड वी जो ट्री के अंदर है उसका रूट से एक डिफरेंट पेरेंट होता है जो कि डब्ल्यू होता है, और उसके और पेरेंट होते हैं, उसके और चाइल्ड होते हैं. तो इस तरह का रिलेशनशिप होता है पेरेंट चाइल्ड का, ठीक है. तो अगर हमारा ट्री जो है वो बिल्कुल ही एम्प्टी हो गया तो वो हमारा ट्री हुआ ही नहीं, क्योंकि ट्री में जो है वो एक नोड होना चाहिए जो कि स्पेशल नोड होता है और उसके चिल्ड्रन होते हैं, सही है. ये ट्रीज की कुछ वो हैं, एप्लीकेशंस हैं. ये ट्रीज की कुछ एप्लीकेशंस हैं कि मतलब बताया गया है कि ट्री कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है. ट्री डायरेक्टरी स्ट्रक्चर्स में, अर्थमेटिक एक्सप्रेशन, गेम ट्रीज, बाइनरी स्पेस, मतलब डिफरेंट तरह की चीज़ों में इस्तेमाल होता है. तो अगर आप इसको इम्पॉर्टेंट समझते हैं तो एक दफ़ा इसको रीड कर लेगा, ना समझ आए तो मुझसे पूछ लेगा, क्योंकि हम जल्दी जल्दी लॉजिकल क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं. तो अगर आपको ना समझ आए तो पूछ लीजिएगा, समझ आ जाए तो बहुत बेहतरीन है. अच्छा, अब ये आ रही है इसकी कुछ वोकेबुलरी एंड डेफिनेशंस. अच्छा, कि इसकी जो ये जो वर्ड्स होते हैं ना, वोकेबुलरी, नोड हो गए, एजेस हो गए, इसको याद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसका इस्तेमाल ना बहुत होता है. किसी अगर हम चीज़ को एक्सप्लेन करें तो हम इन्हीं वोकेबुलरी को यूज़ करते 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 हैं, सही है. अ नोड इज़ अ फंडामेंटल पार्ट ऑफ अ ट्री, इट कैन हैव अ नेम विच वी कॉल द की, सही है. नोड जो है वो एक बहुत फंडामेंटल पार्ट है ट्री का, इसको इसका जो नाम है वो की रखा हुआ है. और जब इस नोड में कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन होती है तो उसको पेलोड कहा जाता है, ठीक है. अच्छा, अब एज होते हैं. एज क्या होते हैं, ये हमने डिस्क्रीट मैथमेटिक्स की ग्राफ में बहुत ज़्यादा डेप्थ में पढ़ा था कि एजेस क्या होते हैं, जो दो वर्टिसेस को कनेक्ट करते हैं, ठीक है. तो इसके अंदर भी एज क्या काम करते हैं, जो दो नोड्स को कनेक्ट कर रहे हैं, सही है. उनके बीच का एक रिलेशनशिप है. एडिशनल इंफॉर्मेशन मतलब कोई भी इंफॉर्मेशन हो उस नोड के बारे में, तो ये इसकी एडिशनल इंफॉर्मेशन हो गई. अच्छा, उसके अलावा एज जो कि दो नोड्स को कनेक्ट करता है, ठीक है, दो नोड्स के बीच का जो एक कनेक्शन चल रहा होता है, जो एक रिलेशनशिप होता है, वो एच से शो करते हैं, ठीक है. एवरी नोड एक्सेप्ट द रूट इज कनेक्टेड बाय एग्जैक्टली वन इनकमिंग एच फ्रॉम अनदर नोड, ठीक है. हर वो नोड एक्सेप्ट फॉर द रूट नोड, रूट नोड की कोई इनकमिंग एच नहीं होती क्योंकि रूट नोड का कोई पेरेंट नहीं होता. तो हर नोड की एक इनकमिंग एज ज़रूर आ रही होती है, ठीक है, जो बता रही होती है कि इस नोड का जो पेरेंट है वो ये है, एक्सेप्ट फॉर द रूट नोड, क्योंकि रूट नोड का कोई पेरेंट नहीं होता. और जो लीफ नोड्स होते हैं, उस लीफ नोड के कोई आउट गोइंग एजेस नहीं होते, क्योंकि लीफ नोड्स क्या होते हैं, लीफ नोड्स वो होते हैं जो सबसे लास्ट में होते हैं. अगर उनसे कोई आउट गोइंग एज निकल रही है तो वो आपके लीफ नोड्स नहीं होंगे, वो फिर पेरेंट बन जाएंगे किसी दूसरे नोड के
चाइल्ड का, ठीक है। तो ये आपकी होती हैं एजेस। रूट, रूट हमें पता है जहाँ से हमारा ट्री स्टार्ट होता है, जिसमें कोई इनकमिंग एज नहीं होती क्योंकि उसका कोई पेरेंट नहीं होता। पाथ, पाथ बेसिकली आपकी एजेस ही हो गई, ठीक है। पाथ होता है कि इस नोड से इस नोड पे जा रहे हैं और इस नोड से इस नोड पे जाने के लिए एच का इस्तेमाल होता है। चिल्ड्रन, चिल्ड्रन जैसे अगर रूट है तो रूट के, रूट से एक एच निकल रही है और वो एक नोड पे जा रही है, ठीक है। एक नोड पे जा रही है तो वो जो नोड होगी वो रूट का चिल्ड्रन होगी, तो और चाइल्ड होगी। और अगर मल्टीपल एजेस निकल रही हैं रूट से, आउटगोइंग एजेस, तो वो उसके चिल्ड्रन होगा। पेरेंट जो कि हमने अभी एग्जांपल देखी कि चिल्ड्रन निकल रहे थे, जैसे ये एग्जांपल में देख लें, ये हमारा रूट नोड है यहाँ पे, ये हमारा रूट नोड है और इसके फिर दो चाइल्ड हैं, चाइल्ड वन चाइल्ड टू। फिर इससे आगे नोड्स निकल रही हैं, दो नोड्स, नोड वन के तीन चाइल्ड हैं, नोड टू के एक चाइल्ड है। तो ये जो नोड वन आ रहा है, जो नोड टू आ रहा है, ये इन चाइल्ड के पेरेंट है। सिबलिंग्स, सिबलिंग्स क्या होता है, ये जो चाइल्ड वन चाइल्ड टू चाइल्ड थ्री हैं, ये आपस में सिबलिंग्स हैं, ठीक है। नोड वन और नोड टू ये भी आपस में सिबलिंग्स हैं। सब ट्री, अच्छा सब ट्री, सब ट्री इज अ सेट ऑफ नोड्स एंड एजेस comprised of a parent and all the descendants of that parent, ठीक है। सब ट्री को अभी आप इतना समझ लें कि जो ट्री है उस ट्री से निकल, उस ट्री का एक पार्ट सब ट्री कहलाता है, ठीक है। अभी जब हम illustrations देखेंगे, pictures देखेंगे, तो और ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा कि सब ट्री होता क्या है। तो फिलहाल के लिए सब ट्री को बस इतना देख लें कि ट्री का एक पार्ट ही सब ट्री होता है। जैसे हमने डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का टॉपिक पढ़ा था ग्राफ, उसमें अगर हमें एक सब ग्राफ बनाना होता था तो उसी ग्राफ के कुछ वर्टिसेस और एजेस को हम निकाल के दूसरी तरफ लिख देते थे तो वो एक सब ग्राफ बन जाता था। ऐसे ही सब ट्री होता है। ओके, लीफ नोड, लीफ नोड वो नोड होते हैं जिसका कोई चिल्ड्रन नहीं होता। रूट नोड वो होता है जिसका कोई पेरेंट नहीं होता। लीफ नोड वो होता है जिसका कोई चिल्ड्रन नहीं होता। रूट नोड सबसे ऊपर होता है, लीफ नोड सबसे लास्ट में होता है। अच्छा, लेवल्स, लेवल्स को हम इलस्ट्रेशन, लेवल हाइट को हम इलस्ट्रेशन से देखेंगे, सही है। ये आ गए इलस्ट्रेशन। अब इसको गौर से देखें, ये वाले सवाल आ सकते हैं बिल्कुल के, लेकिन इतने सवाल ऐसे आ नहीं सकते हैं, लेकिन हो सकता है क्या पता दे देंगे रूट क्या है, सब ट्री, उसके लेवल्स को काउंट करें, उसकी हाइट को काउंट करें, उसके डेप्थ को काउंट करें, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो अब देखें, ये एक ट्री है सिंपल, इसमें जो ए है, ए की देखें कोई इनकमिंग एज नहीं आ रही है, तो ए हमारा रूट हो गया, सही है। अब ए के जो हैं वो तीन चिल्ड्रन हैं, बी सी और डी, सही है, बी सी डी। और फिर बी के जो हैं वो फर्दर दो चिल्ड्रन हैं, ई और एफ। ई और एफ से कोई आउटगोइंग एज नहीं जा रही है, तो ई और एफ हमारे दो लीफ नोड्स हो गए। फिर उसके बाद डी को देखें तो डी के दो चिल्ड्रन आ रहे हैं, जी और एच। फिर एच के फर्दर दो चाइल्ड आ रहे हैं, आई और जे। आई और जे की कोई आउटगोइंग एच नहीं है, तो आई और जे हमारे लीफ नोड्स हो गए, सही है। तो इसमें हमारे रूट ए हैं, ई एफ आई जे हमारे लीफ नोड्स हैं। अच्छा, अब इसकी हम लेवल्स को कैसे डिफाइन करते हैं। लेवल हमारी शुरू होती है सबसे रूट से, रूट पे जो हमारी लेवल होती है वो होती है जीरो, ठीक है। फिर ये हमारी दूसरी लेवल आती है, जैसे ये रूट है, इसके तीन चाइल्ड आ गए, तो ये हमारी पहली लेवल आ गई। फिर इनके फर्दर चाइल्ड होते हैं वो हमारी लेवल टू आ जाती है। फिर इनके फर्दर चाइल्ड होते हैं वो हमारी लेवल थ्री आ जाती है। इनके भी फर्दर चाइल्ड हों तो लेवल फोर फाइव सिक्स जितनी भी जाती रहती है। तो रूट से लेके जो लास्ट लीफ नोड होता है ना, वहाँ तक हम लेवल्स पे काउंट करते हैं। तो इसकी कितनी लेवल्स हैं, इसकी थ्री लेवल्स हैं, सही है। रूट से स्टार्ट हुआ थ्री ज़ीरो, डी पे गए वन, ये आ गई इसकी टू, ये आ गई इसकी थ्री। थ्री लेवल्स होती हैं, सही है। ज़ीरो से स्टार्ट होता है और इसकी थ्री लेवल्स हैं। अब इसकी हाइट क्या होती है, हाइट क्या होती है कि आप जो है वो नीचे से ऊपर तक काउंट करते हो, ठीक है, लेवल्स को काउंट करते हैं, तो वो हाइट होती है।
सॉरी नीचे से ऊपर नहीं, जिस लेवल अब ये देखें ये हमारे पास ट्री है, इस लेवल की ट्री क्या आ रही है, सॉरी इस ट्री की लेवल क्या आ रही है, दैट इज लेवल 3। तो इसकी हाइट क्या होगी, वो इसकी हाइट होगी 3। ठीक है, तो लेवल को ही हम काउंट करते हैं तो वो हमें पता चल जाता है कि यही हाइट है। अच्छा डेप्थ क्या होती है, डेप्थ आगे फर्दर पढ़ेंगे तो और ज्यादा अच्छा समझ आएगा। डेप्थ भी बेसिकली यही होती है कि कितना डीप में जा रहा है। ठीक है, तो 3 से स्टार्ट होता है, 2 पे जा रहा है, 1 पे जा रहा है, 0 पे जा रहा है, 3 2 0, ये इसकी डेप्थ होती है। ये इसका ही वही सारी चीजें और एक्सप्लेनेशन की एक्सप्लेन एक्सप्लेन की हुई है। नंबर ऑफ नोड्स कितने हमारे पास, एच बी सी ए एफ आई ई एल एम एन, ये हमारे 10 नोड्स हैं। हाइट कितनी है इसकी, 3, क्योंकि इसकी लेवल 3 जा रही है। रूट नोड क्या है, एच। लीव्स हमारी कितनी है, ए सी एल एम एन और ये जे बी, क्यों, क्योंकि इनसे कोई आउटगोइंग एच नहीं जा रही है। इंटीरियर नोड्स हमारे बेसिकली क्या होते हैं, जो रूट के बाद और लीफ नोड से पहले होते हैं। ठीक है, तो सॉरी एच भी काउंट होता है, रूट भी काउंट होता है, बस लीफ नोड से ऊपर होते हैं। ए सी ये जे है, जे एल एम एन, लीफ नोड्स को हटा दो तो बाकी जितने भी हमारे हैं वो इंटीरियर नोड्स हैं। ठीक है, जैसे कि एच हो गया, बी एफ ई, ये हमारे इंटीरियर नोड्स होते हैं। अब इन्होंने पूछा हुआ है कि नोड्स एट लेवल 2, लेवल 2 पे कितने नोड्स हैं हमारी, ये 0 है, ये 1 है और ये 2, तो लेवल 2 पे हैं ए सी जे ई। फिर एंसेस्टर्स ऑफ ई, ई के एंसेस्टर्स कौन है, ई का जो पेरेंट है वो है एफ, सही है, एक एफ हो गया। फिर एफ का पेरेंट कौन है, एच, तो एफ और एच ये ई के एंसेस्टर्स हो गए। और अब कह रहे हैं डिसेंडेंट्स ऑफ एफ, एफ का डिसेंडेंट कौन है, सही है, ये लॉजिकल क्वेश्चन है, हो सकता है पूछ लें। डिसेंडेंट्स ऑफ एफ, एफ के डिसेंडेंट्स क्या, अच्छा एंसेस्टर्स वो होते हैं जिसमें आप पीछे जाके देखते हैं, यानी कि आपके पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, फिर उनके ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स, ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स, इस तरह से होता है। एंसेस्टर डिसेंडेंट्स होते हैं जो आपकी आगे की जनरेशन होते हैं, जैसे आपके चिल्ड्रन, ग्रैंड चिल्ड्रन, ग्रेट ग्रैंड चिल्ड्रन। तो एफ के डिसेंडेंट्स क्या होंगे, एक जे हो गया, ई हो गया, फिर एल एम एन। जे इसका डायरेक्ट चाइल्ड है, ई इसका डायरेक्ट चाइल्ड है और एल एम एन जो है इसके ग्रैंड चाइल्ड है, ये इसके डिसेंडेंट्स हो गए। अच्छा अच्छा, अब क्या है कि सब ट्री क्या होता है, ये है हमारा एक मेन ट्री, एच बी ए सी एफ जे ई एल एम एन, ये हमारा ट्री है। अब इसका सब ट्री कैसे निकलेगा, हम किसी अगर हम इस एच को, इस पूरे उसको हटा दें, सही है, इस पूरी जगह को हटा दो, इस वाली जगह को सिर्फ गेट करो, तो ये हमारा एक सब ट्री बन गया, सही है। अब ये सब ट्री कैसे बना, इसका जो बी है वो रूट हो गया और जो इसके ए और सी हैं ये इसके चाइल्ड हो गए, तो ये क्या बन गया, ये इसका बन गया एक सब ट्री। अच्छा अब इन्होंने आगे क्या लिखा हुआ है, नोड इन दी राइट मोस्ट सब ट्री ऑफ एफ, एफ का सब ट्री बना लिया और इसके अब नोड्स क्या होंगे, राइट मोस्ट पे, तो राइट पे हमारा ये जा रहे हैं, सही है, तो इसके नोड्स कितने हो गए, ई एल एम एन। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया। ये कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं कि अगर हाइट और हाइट ऑफ अ ट्री कंटेनिंग वन नोड इज जीरो, अगर हाइट में सिर्फ एक नोड हो तो उसकी हाइट जीरो होती है, क्यों, क्योंकि जो एक नोड होता है वो उसका रूट नोड हो गया और रूट नोड पे हमेशा लेवल जीरो होती है। और अगर एम्प्टी ट्री है तो एम्प्टी ट्री की हाइट जो है वो -1 होती है। अच्छा ऑर्डर ट्री क्या होता है, ऑर्डर ट्री वो ट्री होता है जिसमें सीक्वेंस को फॉलो करते हैं, एक ऑर्डर को फॉलो करते हैं। जैसे अगर ए है तो ए का चाइल्ड जो है वो बी होगा, ए का चाइल्ड बी होगा, सॉरी गलत एग्जांपल बोल दी। ऑर्डर इस तरह से करते हैं कि अगर
ए आ रहा है तो ए के बाद जो है वो बी आना चाहिए सीक्वेंस में, ठीक है। ये होते हैं ऑर्डर। जैसे कि ये एक बुक की एग्जांपल है, ये हमारे पास एक बुक है, ये बुक ओपन होगी, इसमें प्रीफेस आएगा, लेफ्ट टू राइट हम उसको नोट करते हैं, ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा, ऑर्डर ट्री को हम लेफ्ट टू राइट चलते हैं। बुक आई, बुक में प्रीफेस आया, प्रीफेस में कुछ कंटेंट आया, फिर पार्ट ए आया, पार्ट ए में चैप्टर वन आया, फिर चैप्टर वन में उसका 1.1, 1.4 इस तरह से आए, फिर चैप्टर वन से लेके 5 तक आया, 5 के भी अपने पॉइंट्स आते रहे, फिर पार्ट बी आया, पार्ट बी के चैप्टर सिक्स के पॉइंट्स आए, चैप्टर नाइन के पॉइंट्स आए, और फिर लास्ट में रेफरेंसेस। तो ये एक ऑर्डर ट्री है। अब फॉर एग्जांपल हम रेफरेंस को प्रीफेस के बाद ले गए, पार्ट बी को यहाँ रख दिया, ए को एंड में ले गए, तो वो एक ऑर्डर ट्री नहीं होगा क्योंकि उसमें कोई ऑर्डर है ही नहीं। तो ये हमारा होता है ऑर्डर ट्री। एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप, वी डिफाइन अ ट्री एडीटी यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ अ पोजिशन एज एन एब्स्ट्रैक्शन फॉर अ नोड ऑफ अ ट्री, ठीक है। हम बेसिकली डेटा को किस तरह एक्सेस करना है, किस पोजिशन पे देखना है, तो उसके लिए हम एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप देखते हैं। An element is stored at each position and positions certify parent-child relationship that define the tree structure. सही है, हर element जो है वो किसी ना किसी position पर है, और वो जो position है वो आपका parent-child relation का structure tree का define करते हैं। सही है, तो इसलिए position का होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि पोजीशन ही बताती है कि हमारा कौन सा नोड किस पोजीशन पर है और उसका कौन से नोड के साथ क्या रिलेशन है, ठीक है। तो एक होता है पी डॉट एलिमेंट, ये क्या करता है, अगर आप पी डॉट एलिमेंट करें, पी का मतलब है पोजीशन, पी डॉट एलिमेंट रिटर्न द एलिमेंट स्टोर्ड एट पोजीशन पी, ठीक है। इसके अंदर जो है वो लिखेंगे, कोई एलिमेंट लिखेंगे, ठीक है, तो उस पोजीशन पे जो एलिमेंट स्टोर्ड है ये उसको रिटर्न कर देगा, ठीक है। अच्छा, ये सारे एक्सेसर मेथड्स हैं। टी डॉट रूट, टी यानी ट्री, टी डॉट रूट इसके नाम से पता चल रहा है कि ये क्या करेगा, उस ट्री का जो भी रूट है उसको रिटर्न कर देगा, उसकी पोजीशन को रिटर्न करेगा कि ये जो इस ट्री का जो रूट है वो इस पोजीशन पर है, और अगर वो ट्री ही एम्प्टी है तो वो नॉन को रिटर्न कर देगा, नॉन कह देगा। टी इस रूट पी, सही है, हम यहाँ पे बता रहे हैं कि हमने एक पी पोजीशन दी है और पूछा है कि इस पोजीशन पे जो नोड है वो ट्री है या नहीं है, तो अगर उस पोजीशन पर ट्री हुआ तो वो ट्रू दे देगा, अगर नहीं हुआ तो वो फॉल्स दे देगा। टी डॉट पेरेंट पी रिटर्न द पोजीशन ऑफ द पेरेंट ऑफ पोजीशन पी और नॉन द पी इज द रूट ऑफ टी। अच्छा, अब जो है वो एक पोजीशन रखी और उस पर पूछा गया है कि वो पेरेंट है या वो जो नोड है उस पोजीशन पे वो पेरेंट है या नहीं है, अगर वो पेरेंट हुआ तो वो ट्रू रिटर्न कर देगा, अगर वो पेरेंट नहीं हुआ तो वो फॉल्स रिटर्न कर देगा। जैसे लीफ नोड्स होते हैं वो चाइल्ड होते हैं, वो पेरेंट नहीं होते किसी के, क्योंकि उस पर कोई आउट गोइंग एज नहीं जाती, और अगर उस पोजिशन पर रूट हुआ तो वो रूट रिटर्न कर देगा, ठीक है। तो यानी कि अगर इस पोजिशन पर जो नोड है वो पेरेंट हुआ तो वो ट्रू रिटर्न कर देगा, नहीं हुआ तो नॉन रिटर्न कर देगा, और अगर उस पोजीशन पर रूट हुआ तो वो सॉरी रूट हुआ तो भी नॉन रिटर्न कर देगा, ठीक है। टी डॉट नम चिल्ड्रन पी, सही है, हमारी जो पोजीशन है उस पोजीशन पे कितने उस नोड के कितने चिल्ड्रन हैं उनका नंबर ये रिटर्न कर देगा, सही है। टी डॉट चिल्ड्रन पी जनरेट एन एट्रेशन ऑफ द चिल्ड्रन ऑफ पोजिशन पी, पोजिशन पी पे जो है वो चिल्ड्रन की एक
attrition generate कर देगा. T is leaf return true if position P does not have any children. अगर हमारा जो position है उसके कोई children नहीं है तो वो उसको return true कर देगा. क्यों? क्योंकि वो leaf है, leaf के कोई children नहीं होता है. Length T जो हमारा tree है उस tree की length को return कर देगा. T is empty ये true return करेगा अगर हमारे tree पे कोई पोजीशन ही नहीं है. सही है, पोजीशन हमेशा नोड्स की होती है और अगर कोई नोड्स नहीं होगा तो कोई पोजीशन नहीं होगी, कोई पोजीशन नहीं होगा तो वो ट्री ही नहीं है. टी डॉट पोजीशन हर जितने हर नोड की हर पोजीशन का एक एट्रेशन जनरेट कर देगा कि इस पोजीशन पर ये नोड है, इस पोजीशन पर ये नोड है. आइटर टी जनरेट एन इटरेशन ऑफ ऑल एलिमेंट स्टोर विद इन टी. टी के अंदर जितने भी एलिमेंट्स स्टोर हैं उन सब का एक एट्रेशन जनरेट कर देगा कि ये वाला एलिमेंट है, ये वाला एलिमेंट है, ये वाला एलिमेंट है. इस पे वो पोजीशन जनरेट कर रहा है, इस पे वो एलिमेंट्स को जनरेट कर रहा है. एनी ऑब्जेक्ट मेथड दैट एक्सेप्ट्स अ पोजीशन एज एन आर्गुमेंट शुड जनरेट अ वैल्यू ऑफ दैट पोजीशन इन वैल्यू 40. सही है, अगर आप कोई ऐसी पोजीशन डाल रहे हैं जो इनवैलिड है ट्री के लिए. सही है, जैसे अगर आपके ट्री की कोई ऐसी पोजीशन डाल दी जो एग्जिस्ट ही नहीं कर दी तो वो फिर वैल्यू एरर दे देगा. इफ टी इज ऑर्डर देन टी डॉट चिल्ड्रन पी रिपोर्ट्स द चिल्ड्रन ऑफ पी इन द नेचुरल ऑर्डर. अगर हमारा ट्री जो है वो एक ऑर्डर्ड में है तो टी डॉट चिल्ड्रन जो है वो सारे चिल्ड्रन को जो है एक नेचुरल ऑर्डर में रिपोर्ट कर देगा, रिटर्न कर देगा. इफ पी इज अ लीफ जो पोजीशन है वो एक लीफ की है तो देन टी चिल्ड्रन जनरेट्स एन एम्प्टी आइट्रेशन. वो जो है एम्प्टी आइट्रेशन कर देगा. क्यों? क्योंकि लीफ के कोई चाइल्ड नहीं होता है. इफ टी इज एम्प्टी देन बोथ टी डॉट पोजिशन एंड आइटर टी जनरेट एम्प्टी आइट्रेशन. अगर हमारे टी ही एम्प्टी है तो जो पोजीशन वाला है वो बिल्कुल उसको एम्प्टी एट्रेशंस करेगा. क्यों? क्योंकि हमारा टी ही एम्प्टी है तो वो किसकी पोजीशन देगा. सही है, तो ट्री का टॉपिक इतना ही था. अब ये आ गई है ट्री की टाइप. ठीक है, ट्री की टाइप होती है लॉजिकल क्वेश्चंस आपके इस वाले पार्ट में आएंगे. ट्री के पार्ट में कोई भी लॉजिकल क्वेश्चन नहीं था, सिर्फ उसका वो था. हाँ, ट्री का लॉजिकल ये हो सकता है कि उसकी आप कोडिंग कर लें. ठीक है, बाइनरी ट्री में आएंगे लॉजिकल क्वेश्चंस. बाइनरी ट्री क्या है? बाइनरी ट्री ट्री की एक टाइप है जो कि एक ऑर्डर ट्री होता है. अच्छा, बाइनरी ट्री की कुछ कंडीशंस होती हैं जैसे कि हर नोड के जीरो या एक या दो चिल्ड्रन हो, दो से ज़्यादा चिल्ड्रन नहीं हो सकते. ठीक है, जैसे हमने ऊपर कुछ एग्जांपल्स देखी थी तो काफ़ी ऐसे नोड्स थे जिनके मल्टीपल चिल्ड्रन थे, किसी के कुछ भी नहीं थे, किसी को दो थे, किसी के दो से ज़्यादा थे. बाइनरी ट्री में आपके दो से ज़्यादा चिल्ड्रन नहीं होते हैं. ठीक है, ईच चाइल्ड नोड इज लेबल्ड एज बींग आइदर अ लेफ्ट चाइल्ड और अ राइट चाइल्ड. ठीक है, यानी कि अगर आपके सिर्फ हैं ही उसमें नोड में सिर्फ दो ही चिल्ड्रन हैं तो एक जो चाइल्ड होगा वो लेफ्ट होगा, दूसरा चाइल्ड राइट होगा. ठीक है, और अगर सिर्फ एक है तो या तो वो लेफ्ट पे होगा या राइट पे होगा, है ही नहीं तो कुछ भी नहीं होगा. ठीक है, तो इसकी ये दो कंडीशंस याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. बाइनरी ट्री में दो से ज़्यादा चिल्ड्रन नहीं होते. ठीक है, दूसरी कंडीशंस तो एक नॉर्मल सी है, पहली कंडीशन ही सबसे ज़्यादा है कि अच्छा बाइनरी ट्री कम इन मैनी डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस. ठीक है, बाइनरी ट्री जो है वो डिफरेंट तरह के शेप्स और साइजेस में आता है. शेप्स जो है वो वेरी करते हैं डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ नोड्स और नोड्स किस तरह से लिंक हुए हैं. अब देखें, ये एक तस्वीर है, इसमें टोटल नोड्स कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 नौ नोड्स हैं. ठीक है, 9 नोड्स ए वाली डायग्राम में भी हैं, बी वाली डायग्राम में भी हैं, सी वाली डायग्राम में भी हैं.
अच्छा, अब ये बाइनरी ट्री कैसे है? अगर हम ए को देखें, इसके दो चाइल्ड हैं, बी को देखें, इसके भी दो चाइल्ड हैं, सी को देखें, इसके दो चाइल्ड हैं, ई और जी के एक एक चाइल्ड हैं, तो ये बाइनरी ट्री है। बी को देखें, ये भी बाइनरी ट्री है, सी को देखें, ये भी बाइनरी ट्री है, इसमें सब में बस एक एक चाइल्ड है, ठीक है। इसकी लेवल 8 तक जाएगी, 0 से स्टार्ट है, तो 9 नोड्स हैं, तो इसकी लेवल 8 तक जाएगी। नीचे से तस्वीर कटी हुई है, सही है। तो बाइनरी ट्री के काफ़ी सारे डिफरेंट शेप्स हो सकते हैं। अगर आप को यही सिर्फ दिमाग में कि उसके सिर्फ एटमोस्ट दो चाइल्ड हों, तो ऐसा नहीं है कि आपने ए वाली डायग्राम देखी और कहा ये बाइनरी ट्री है, सी वाली डायग्राम देखी और कहा ये बाइनरी ट्री नहीं है, इसका एक चाइल्ड है जो कि कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये बाइनरी ट्री है। अच्छा, अब ये आ गया लेफ्ट या राइट का। ए पे जो है वो उसके दो चाइल्ड हैं, बी और डी। बी लेफ्ट पर है, डी राइट पर है। बी का एक ही चाइल्ड है जो कि राइट पर है, इसमें जो बी का चाइल्ड है वो लेफ्ट पर है, सही है। तो इसका डिफरेंस बताया हुआ है। अच्छा, बाइनरी ट्री की भी चार टाइप्स होती हैं। फुल बाइनरी ट्री हो गया आपका, परफेक्ट बाइनरी ट्री हो गया, अनबैलेंस बाइनरी ट्री हो गया, कंप्लीट बाइनरी ट्री हो गया, चार टाइप्स होती हैं। फुल बाइनरी ट्री में क्या होता है कि हर नोड के दो चाइल्ड होते हैं, सही है, या जीरो होंगे या दो होंगे, एक नहीं हो सकता, ठीक है। पहली हमारी बाइनरी ट्री में क्या होता है, बाइनरी ट्री कहता है दो से ज़्यादा चाइल्ड, मतलब एक भी हो सकता है, जीरो हो सकते हैं या दो, तीनों में कोई एक चीज़ हो। फुल बाइनरी ट्री में होता है कि हर नोड के, हाँ, दो का होना, ग्रैंड चाइल्ड हो या ग्रेट ग्रैंड चाइल्ड हो, कुछ भी हो, सबका दो होना लाजमी है, सही है। दो से ज़्यादा नहीं हो सकते बाइनरी ट्री में, लेकिन फुल बाइनरी ट्री में या जीरो हो या टू हो, ठीक है, या तो हो ही ना या तो दो हो, बस। तो ये जो एक तस्वीर बनी हुई है ये है फुल बाइनरी ट्री, ये इसका रूट नोड आ गया, रूट नोड के दो चाइल्ड हैं जो कि कंडीशन को फुलफिल करेंगे, दो चाइल्ड। इस नोड का भी दो चाइल्ड हैं जो कि फिर से कंडीशन फुलफिल हो गई, लेकिन इस नोड का कोई भी चाइल्ड नहीं है जो कि अगेन कंडीशन फुलफिल हो गई। इसके दो हैं कंडीशन फुलफिल, इसके दो हैं कंडीशन फुलफिल, तो ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा बन गया फुल बाइनरी ट्री। कंप्लीट बाइनरी ट्री, अच्छा, कंप्लीट बाइनरी ट्री वो ट्री होता है जिसकी सारी लेवल्स फिल होती हैं, ठीक है। लेवल्स फिल का मतलब क्या है कि अगर फुल बाइनरी ट्री को देखें तो इसमें कितनी लेवल्स हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 4 लेवल्स हैं। तो 4 लेवल पे क्या होते हैं, लीफ नोड्स होते हैं। लीफ नोड को छोड़ के जो 0, 1, 2, 3 आ रहे हैं, ये वाली सारी लेवल्स फिल होनी चाहिए। ये जो फुल बाइनरी ट्री है ये कंप्लीट बाइनरी ट्री नहीं है, क्यों, क्योंकि इसकी जो लेवल 3 आ रही है तो इस पे इसका चाइल्ड होना चाहिए था, अगर इसका चाइल्ड नहीं है तो ये हमारा कंप्लीट नहीं हुआ, ये जस्ट फुल है। कंप्लीट बाइनरी ट्री का ये होता है कि इसमें सारी लेवल्स फिल होनी चाहिए एक्सेप्ट फॉर दी लास्ट लेवल। लास्ट लेवल में क्योंकि लीफ नोड्स होते हैं तो इसलिए लास्ट लेवल को छोड़ दिया, उसके अलावा सारे फिल होने चाहिए। अच्छा, फुल में जो है वो दो या जीरो चाइल्ड होने चाहिए, कंप्लीट में ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। फुल में जो है वो जीरो या टू चिल्ड्रन हो, कंप्लीट में जो है वो आपकी सारी लेवल्स फिल हो एक्सेप्ट फॉर द लास्ट वन, ठीक है। परफेक्ट बाइनरी ट्री, अच्छा, उसको कंप्लीट बाइनरी ट्री और फुल बाइनरी ट्री, इन दोनों की एप्लीकेशन को आप मिक्स करें तो वो हमारा बन गया परफेक्ट बाइनरी ट्री, ठीक है। फुल बाइनरी ट्री में क्या हो गया कि आपके जो है वो दो या जीरो चाइल्ड हो, ठीक है, तो इसमें क्या है, इसमें है कि दो चाइल्ड हो, ठीक है, सारे दो चाइल्ड हो सारे नोड्स के। और कंप्लीट की क्या हो गई कि इसकी सारी लेवल्स भी फिल हो, ठीक है, तो सारी लेवल्स भी फिल हो और दो चाइल्ड हो हर नोड के, तो ये आपका हो जाता है परफेक्ट बाइनरी ट्री।
इसमें ना हाइट को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला बताया हुआ है, परफेक्ट बाइनरी ट्री ऑफ हाइट एच वेयर हाइट इज नंबर ऑफ नोड्स ऑन पाथ फ्रॉम रूट टू लीफ हैज टू हाइट माइनस वन नोड. अच्छा सॉरी, नोड्स हैं ये. केस में कितने नोड्स हैं, हाइट इसकी कितनी होगी, 0, 1, 2, 3. 2, 3 is 6, 6 minus 1, 5. 5 नोड्स तो नहीं है. नंबर ऑफ नोड्स ऑन पाथ फ्रॉम रूट टू लीफ है. इसकी हाइट तो लीफ से लेते हैं ना. तो इसकी हाइट जो रूट नोड की हाइट होगी वो 3 होगी ना. हाँ, 0, 1, 2. सबसे लंबा जो लेवल बन रहा होता है हमारा पाथ, उसको काउंट करते हैं ना. हाँ हाँ, लेकिन ये फॉर्मूला आई डोंट नो किस लिए लिखा हुआ है. डीजेनरेट ट्री होता है एक. डीजेनरेट ट्री जो है